दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शीट मेटल डिजाइन। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शीट मेटल। ओके, यहाँ पर यूनिट्स मिलीमीटर में रहने देंगे। नाम चेंज करना चाहते हैं तो नाम चेंज कर सकते हैं और सिंपली यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सारे यहाँ पर टूल्स ओपन हो गया है। ये शीट मेटल टूल्स का, ये शीट मेटल डिजाइन का ये सारा टूल्स है। तो शीट मेटल होता है क्या है, तो इसको सबसे पहले जानते हैं। तो शीट मेटल का प्रॉपर्टीज होता है, ये यूनिफॉर्म थिकनेस के साथ होता है, जिसका थिकनेस 0 mm से 12 mm के बीच होता है। और ये यूज होता है एक्चुअली ट्रेन बॉडी, बस बॉडी, फ्लैट शीट बनाने में। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर आप कन्वर्ट फर्स्ट यहाँ पर टूल्स देखेंगे। चलिए शुरू से करते हैं। सबसे पहले एक स्केच करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले ये सब यूज करने से पहले हम लोगों को पैरामीटर सेट करना होता है। पैरामीटर सेट करने के लिए प्रोफाइल में जाएंगे और यहाँ प्रीफरेंस है। प्रीफरेंस में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा शीट मेटल, इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसका पैरामीटर सेट करना होता है शीट मेटल प्रीफरेंस में। अब देखेंगे मेटेरियल थिकनेस का 3 mm है, जितना mm रखना चाहते हैं उतना mm यहाँ रख सकते हैं। मटेरियल थिकनेस 5 mm, बेंड रेडियस, जो रेडियस होता है बेंड, वो आप रख सकते हैं यहाँ से। रिलीफ डेप्थ रख सकते हैं और सिंपली यहाँ से हम ओके करेंगे। ये मेरा अब जो थिकनेस यहाँ से क्रिएट होगा 5 mm के साथ थिकनेस यहाँ से क्रिएट होगा। तो सबसे पहले हम स्केच में जाते हैं, एक स्केच करते हैं, कोई एक रेफरेंस प्लेन ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ से एक रेक्टेंगल स्केच करते हैं, फिनिश स्केच, और यहाँ पर सबसे फर्स्ट अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो टैब है। सबसे पहले टैब के बारे में बताते हैं, इसका क्या यूज होता है। तो टैब में अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप पूछे जा रहा है क्लोज कर्व, सिलेक्ट कर्व। तो हमेशा याद रखें टैब यूज होते हैं क्लोज कर्व के लिए। ये मेरा क्लोज कर्व है, इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पर जो मैंने इसका वैल्यू दिया था 5 mm थिकनेस पैरामीटर सेट किया था, देख सकते हैं 5 mm थिकनेस यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसका हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं इस तरह से। अगर इसका वैल्यू यहाँ से अगर हम बदलना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, इसे चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मैंने जो पैरामीटर सेट किया था उसी के साथ ये थिकनेस अब हमेशा रहेगा। और इस तरह से सिंपली यहाँ से ओके करेंगे, देख सकते हैं ये 5 mm थिकनेस के साथ प्राइमरी शीट यहाँ से क्रिएट हो गया है। इसके डाउन एरो में जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कन्वर्ट गैलरी शीट मटेरियल फ्रॉम सॉलिड। तो मैंने अभी टैब का यूज किया और नेक्स्ट चलते हैं और जानते हैं ये काउंटर फ्लेंज। तो ये मैं टूल लिया, इसके बाद ये इसलिए ले रहा हूँ कि एक एक करके यहाँ पर आपको बताऊंगा। ये क्लोज प्रोफाइल के लिए प्राइमरी शीट क्रिएट किया जाता है, एक काउंटर क्लोज ओपन प्रोफाइल के लिए यूज होता है। तो अगर मेरे पास ओपन प्रोफाइल है तो काउंटर क्लोज के थ्रू हम शीट मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक प्रोफाइल है जो कि ओपन प्रोफाइल है। और यहाँ से अगर हम टैब में जाते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर आपको अलर्ट बताया जा रहा है यहाँ यहाँ से नहीं हो सकता। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपन प्रोफाइल के लिए इसे क्लिक करेंगे, काउंटर क्लोज इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम शीट मेटल क्रिएट कर सकते हैं इसलिए। तो इस तरह से शीट मेटल क्रिएट किया जाता है, देख सकते हैं मैंने दो यहाँ पर सिलेक्ट किया दो लाइन और इसके बीच में आप देख सकते हैं बेंड रेडियस यहाँ से क्रिएट हो गया। तो ये सो आप देख रहे हैं बेंड रेडियस, ये रेडियस बेंड रेडियस है एक्चुअली। थिकनेस 5 mm विथ, अगर इसका हम देना चाहेंगे इसका विथ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डाउन एरो है, मीन्स इसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डाउन एरो नहीं है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन सिर्फ चेंज किया जा सकता है। विथ ऑप्शन यहाँ पर फाइनाइट है, सिमेट्रिक है, जिस तरह से लेना चाहेंगे ले सकते हैं। विथ ऑप्शन इसका कम या ज़्यादा कर सकते हैं, सिंपली यहाँ से ओके करेंगे। तो इस तरह से शीट मेटल क्रिएट किया जा सकता है। अगर आपको इस तरह से बेंड होगा, बेंड अगर जहाँ पर होता है वहाँ पर इस तरह का रेडियस यहाँ से ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा जो मैंने पैरामीटर में सेट किया था।
वो यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। तो टैब और टैब के थ्रू क्लोज प्रोफाइल यूज किया जाता है और काउंटर फ्लेंज के थ्रू ओपन प्रोफाइल यूज किया जाता है शीट मेटल कन्वर्ट करने में, शीट मेटल क्रिएट करने में। नेक्स्ट चलते हैं और जानते हैं फ्लेंज के बारे में। तो फ्लेंज एक्चुअली यूज होता है सेकेंडरी शीट क्रिएट करने में। तो मैंने यहाँ पर एक प्राइमरी शीट क्रिएट किया है ओपन प्रोफाइल से, और यहाँ से मुझे सेकेंडरी शीट क्रिएट करना है तो मुझे यहाँ पर फ्लेंज में जाना होगा। चलिए फ्लेंज को क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट एज, जिस एज पर आपको सेकेंडरी शीट चाहिए वो एज यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ओके, देखिए सिलेक्ट करते इस तरह से यहाँ पर सेकेंडरी शीट यहाँ से क्रिएट हो गया है। जिस तरह से आप यहाँ से एज क्रिएट करेंगे, एज सिलेक्ट करेंगे, अगर इस तरफ करना चाहते हो तो इसे इस एज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ ये इजीली क्रिएट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ऑप्शन है फुल विथ ऑप्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल है, एट सेंटर, एट एंड, यहाँ से इसका आप डायमेंशन मीन्स इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं विथ ऑप्शन से। जैसे मैंने एक सेंटर रखता हूँ, यहाँ पर सेंटर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये सो अगर होगा ये, तो सेंटर से ये इसका डायमेंशन बढ़ेगा। यहाँ पर लेंथ दे सकते हैं, जितना लेंथ रखना चाहते हैं उतना लेंथ दे सकते हैं। एट सेंटर एट एंड, तो इसके लिए एंड पर चला जाएगा और ये एंड से ये सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, एट एंड दिया तो कौन सा पॉइंट से आपको चाहिए, कौन सा एंड पर चाहिए उसे क्लिक करेंगे, उस एंड से ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसका लेंथ है, ये टोटल लेंथ 20 है, इसका लेंथ ज़्यादा भी दे सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं इसका, इस तरफ डायरेक्शन इस तरफ या इसके अपोजिट, इस तरह से डायरेक्शन यहाँ से चेंज किया जा सकता है। इसका लेंथ 20 है, 30 देते हैं, लेंथ चेंज डायरेक्शन चेंज करते हैं, देख सकते हैं इसका लेंथ यहाँ से यहाँ बढ़ गया है। मैच फेस देखते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा मैच फेस में अनसिलेक्टेड नन, इसमें कुछ है नहीं, मैच करने के लिए ये दिया जाता है। एंगल आप देखेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, यहाँ से एंगल भी चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर 30 डिग्री अगर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 30 डिग्री के साथ ये हो गया। तो इस तरह से इसका एंगल चेंज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है लेंथ रिफरेंस। लेंथ रिफरेंस आप कहाँ से इसका मेजर करना चाहते हैं, सेकेंडरी शीट का लेंथ यहाँ पर इनसाइड है आउटसाइड से, तो यहाँ पर आप चेंजिंग देख सकते हैं कहाँ से ये मेजर हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे वेव, तो यहाँ से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कहाँ से चेंज हो रहा है, यहाँ पर रेड कलर आपको दिखेगा, वेव वेव से होगा। इस तरह से आप इसे मेजर के लिए लेंथ रिफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। इंसर्ट इंसेट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर मटेरियल इनसाइड है, मटेरियल आउटसाइड है, जहाँ से मटेरियल यहाँ पर ज्वाइनिंग होता है तो कहाँ से ये सेकेंड ज्वाइनिंग होगा वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। सेकेंड सीट जो क्रिएट हुआ है सेकेंडरी सीट, वो कहाँ से प्राइमरी सीट के साथ ज्वाइनिंग होगा उसके लिए ये एक्चुअली यूज किया जाता है। फिर से एडिट विथ रोल बैक में जाते हैं, और यहाँ से मटेरियल आउटसाइड है, ये बेंड आउटसाइड, देखिए बेंड आउटसाइड हो गया ये। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इसे इजीली। ओके, यहाँ पर डाउन एरो को हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर और ज़्यादा ऑप्शन मिल जाता है जिसमें ऑफसेट है। तो ऑफसेट के थ्रू हम इसका डिस्टेंस दे सकते हैं सुली में, यहाँ पर इसे आप एरो दे सकते हैं, इसका ऑफसेट दे सकते हैं, जितना ऑफसेट रखना चाहते हैं यहाँ पर रख सकते हैं 10। इसे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं ये आपको यहाँ पर 10 ऑफसेट के साथ ये क्लिक हो गया। ये सो आपको यहाँ से यहाँ दिख रहा है, ये ऑफसेट कितने ऑफसेट के साथ ये क्रिएट होगा वो आप यहाँ से ले सकते हैं। प्राइमरी सीट और सेकेंडरी सीट में जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ से आप ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है तो इसको डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, 10 अंदर के साथ ले सकते हैं या 10 डिस्टेंस एमएम बाहर के साथ ले सकते हैं।
इसके बाद बेंड पैरामीटर्स है। बेंड का पैरामीटर्स जो मैंने सेट किया था बेंड रेसिस 3, इसको हम चेंज कर नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं हो पाएगा ये। और जो मैंने पैरामीटर सेट किया था 3 है तो 3 है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। रिलीफ में चलते हैं, तो रिलीफ एक्चुअली यूज होता है, ये जो कॉर्नर है उसे फिनिशिंग के लिए यूज होता है, ये फ्रैक्शन अवॉइड करने के लिए इसे यूज किया जाता है। तो बेंड रिलीफ स्क्वायर है, इसको अलग अलग हम बेंड रिलीफ यहाँ से ले सकते हैं। इससे पहले हम इसका डायरेक्शन चेंज करते हैं, अब बेंड यहाँ से हम साइड करते हैं, इसे जीरो रखते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये बेंड रिलीफ एक्चुअली इसे कहा जाता है। फिर से इसमें हम राइट क्लिक करते हैं, एडिट विद रोल बैक में चलते हैं, और अब हम जानते हैं यहाँ पर बेंड रिलीफ स्क्वायर टाइप का है, ये राउंड टाइप का चाहिए तो यहाँ से राउंड टाइप का इस तरह से ले सकते हैं, नन चाहिए तो यहाँ पर कुछ नहीं आपको मिलेगा यहाँ से। तो इस तरह से रिलीफ का यूज किया जा सकता है। डेप्थ यहाँ पर कितना है, 3 mm है, विथ 3 mm है, जो मैंने पैरामीटर में सेट होता है वो यहाँ पर होगा, यहाँ से चेंज नहीं होगा, लेकिन बेंड रिलीफ का टाइप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, कॉर्नर रिलीफ। कॉर्नर रिलीफ अगर कॉर्नर को होता है रिलीफ, उसको यहाँ पर से चेंज किया जा सकता है, इस तरह से अलग अलग तरीके से यहाँ पर चेंज किया जा सकता है। और फाइनली हम इसे ओके करेंगे तो सेकेंडरी सीट प्राइमरी सीट के थ्रू इस तरह से क्रिएट हो जाता है। ओके, तो ये सारा ऑप्शन के थ्रू हम प्राइमरी सीट सेकेंडरी सीट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो अब तक हमने सीखा टैब कैसे यूज करते हैं, फ्लैंज कैसे यूज करते हैं, और यहाँ पर काउंटर फ्लैंज कैसे यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बाय बाय।